हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मानसी। आज हम बनाएंगे नवरत्न कोरमा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, हल्का सा स्वीट होता है ये खाने में, बहुत अच्छा लगता है और स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, मैंने ऑयल में बनाया है। आप चाहें तो घी या बटर, जो भी चाहें आप वो ले सकते हैं। उसमें हम थोड़े से मखाने डालेंगे और थोड़े से हम इसमें डालेंगे काजू, और कोई ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह से चलाते हुए हम रोस्ट करते रहेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, और फिर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम ग्रेवी के साथ भी कुक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस हल्का सा इसमें कलर आ जाए उतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई में घी थोड़ा कम है, तो मैंने बहुत कम ऑयल में ही बनाना प्रेफर किया है। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। इनको बाहर निकाल लेंगे। अब जो ऑयल रह गया है कढ़ाई में, उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे ये प्याज का पेस्ट लिया है। अनियन को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। हम इसे वाइट ग्रेवी में बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। कई लोग इसको खोए के साथ या मावे के साथ भी बनाते हैं। अगर आपके पास मावा या खोया अवेलेबल है तो आप वो डालिए, लेकिन वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है घर में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। और इसमें 1 चम्मच करीब हमने कस्तूरी मेथी डाल दी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको कुक करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि हम वाइट ग्रेवी में बना रहे हैं, तो इसलिए खाली प्याज डाली है। अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, तो वो रेड ग्रेवी हो जाएगी आपकी। इसमें मैंने 2 चम्मच कोकोनट पाउडर भी डाल दिया है। इन सभी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पर अच्छा आता है, तो थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें हमने ऐड की हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ पनीर। ये मैंने अंदाजे से डाला है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इस तरह से पनीर ग्रेट करके डालने से क्या होता है कि ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाती है, यानी तो ग्रेवी पतली रह जाती है, पनीर से इसमें गाढ़ापन आता है। इसलिए हमने पनीर ग्रेट करके डाला है, और बाद में हम पनीर के पीसेस तो ऐड करेंगे ही इसमें। और इसमें हमने डाल दिया है फ्रेश क्रीम, वो भी मैंने अंदाजे से ली है। जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने लगभग 2 चम्मच करीब क्रीम यहाँ पर ली है। अब हम इसकी सीजनिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर आएगा सब्ज़ी में, ये तीखी नहीं होती है। गरम मसाला, और जो अभी मैंने ऐड किया है वो मैंने ऐड किए हैं सभी साबुत मसालों का जो पाउडर होता है, जैसे कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, इन सबको मैंने पीस लिया, वो पाउडर ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर अलग से भी ऐड किया है, क्योंकि इलायची पाउडर की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है इस सब्ज़ी में। तो इलायची पाउडर भी मैंने अलग से ऐड किया है, और सभी साबुत मसाले जो हैं उनका पाउडर अलग से ऐड किया है। थोड़ी सी स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए हमने इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच चीनी भी ऐड की है। ये सब्ज़ी हल्की सी मीठी होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, लेकिन अगर आपकी फैमिली में मीठा खाना कम पसंद है तो आप चीनी उसी हिसाब से डालें, 1 छोटा चम्मच भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो गई है ग्रेवी, इसमें हमने मिल्क डाल दिया है। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा, मैंने इसमें अब तक नमक नहीं डाला है। अगर आप नमक पहले ही डाल देंगे तो अभी जब हमने दूध ऐड किया है वो फट जाएगा, तो इसलिए हम नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मिल्क में बॉयल आने लगे हैं, हमारी ग्रेवी मतलब अच्छी तरह से कुक हो गई है। नमक नहीं डाला है इसलिए दूध नहीं फटा है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट कॉकटेल। ये मार्केट में मिक्स फ्रूट्स करके एक बॉक्स आता है फ्रूट कॉकटेल का, वो हम इसमें डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने कुक किए थे वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने गाजर, बीन्स, मटर और थोड़ी सी गोभी ली है, आलू भी लिया है। इन सबको मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया है, यानी कि ये कच्चे नहीं हैं, ये हल्के से मैंने उबाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है, नहीं तो ये एकदम सौगी हो जाएंगे। बस हल्का सा इसे कुक किया है, हल्के से जब ये सॉफ्ट होगा तो सभी ब्लांच की हुई सब्जियाँ हमने इसमें डाली हैं। इन सबको कुक करेंगे। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी गाढ़ी हो रही है या मतलब सूखा सूखा लग रहा है, तो आप इसमें पानी या दूध जो भी चाहें वो और ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं सब्जी को पतला करने के लिए, तो नमक अभी ऐड मत करिएगा। पहले उसमें भी बॉयल आने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें नमक ऐड करिएगा। मैंने पानी ऐड किया था इसलिए मैंने अभी नमक ऐड कर दिया है,
और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और थोड़े से पनीर के पीसेस भी हम इसमें डाल देंगे। अभी ये देखिए सब्ज़ी आपको काफ़ी पतली लग रही होगी, अभी ये अच्छी तरह से कुक होगी तो इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाएगी और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत रिच ग्रेवी होती है। अब इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है, तो इसको मैं ढक देती हूँ। ये देखिए एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसे 15 मिनट तक कुक किया है, अभी भी ग्रेवी हमें पतली लग रही है। तो इसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया जिसको थोड़े से पानी में हमने घोल लिया, उसकी स्लरी बना ली, वो पानी हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। जिस तरह से हम घर में मंचूरियन वगैरह बनाते हैं और उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी यूज़ करते हैं, वही स्लरी हमने यहाँ पे भी यूज़ की है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में घोल लीजिए और वो उसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और फिर से इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। आप चाहें तो बीच बीच में इसे चला भी सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ढक दिया है और अब ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। आप देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो गई है, ये बबल्स आप देख सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसको और ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। आप चाहें तो टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच घी ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, या आप अपने पसंद की कोई और सब्ज़ी चाहें मशरूम या कॉर्न्स वो भी डाल सकते हैं। और ये हमारी बनके तैयार है। तो हमारा नवरत्न कोरमा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी है, राइस रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।